नमस्कार दोस्तों, ओलाई वीडियोज में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास कक्षा 9 अध्याय 6 किसान और काश्तकार भाग 1 इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो हम इस अध्याय में विभिन्न देशों के खेतिहर समुदायों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक ओर इंग्लैंड के छोटे किसान, अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप जानेंगे कि आधुनिक खेती की शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह भी जानेंगे कि विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया के अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए इस सफर की शुरुआत इंग्लैंड से ही करें, जहां कृषि क्रांति ने पहली दस्तक दी थी। इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 देशों के खेतिहर समुदायों के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत। तो आइए इंग्लैंड से शुरुआत करते हैं। खुले खेतों और कॉमन्स का दौर, द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों और 19वीं सदी के शुरुआती दौर में इंग्लैंड के देहाती इलाकों में नाटकीय बदलाव हुए। पहले ग्रामीण क्षेत्र काफी खुला खुला हुआ करता था, यानी इसका मतलब है कि जो किसान हुआ करते थे उनके पास अपनी खुली जमीन हुआ करती थी, मतलब कोई भी अपने आसपास की जमीन पर खेती कर सकता था, वहाँ अपने पशु चरा सकता था, इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन समय के चलते बाड़ाबंदी शुरू हो गई, इससे गरीबों की स्थिति खराब होने लगी। अनाज की बढ़ती मांग, न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन। इसके 2 कारण थे, नंबर 1 बढ़ती आबादी और दूसरा कारण इसका था फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध। तो आइए जानते हैं ये दोनों किस तरह अनाज की बढ़ती मांग के कारण रहे। तो देखिए, जमीन को बाड़ाबंद करने की ऐसी जल्दबाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था, नए बाड़े पुराने बाड़ों से भिन्न क्यों थे। जहां 16वीं शताब्दी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया, वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी का उद्देश्य अनाज उत्पादन बढ़ाना हो गया। 18वीं शताब्दी के मध्य से इंग्लैंड की आबादी तेजी से बढ़ी। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। 1750 में कुल आबादी 70 लाख थी, जो कि 1850 में 2.1 करोड़ और 1900 में 3 करोड़ तक जा पहुंची। जाहिर है कि अब ज्यादा अनाज की जरूरत थी। इसी दौर में इंग्लैंड का औद्योगिकीकरण भी शुरू होने लगा। बहुत सारे लोग रहने और काम करने के लिए गांव से शहरों का रुख करने लगे। खाद्यान्नों के लिए वे बाजार पर निर्भर होते गए। इस तरह जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ी, वैसे वैसे खाद्यान्नों का बाजार भी फैलता गया और खाद्यान्नों की मांग के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसकी वजह से यूरोपीय खाद्यान्नों के आयात सहित व्यापार बाधित हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड में खाद्यान्नों के दाम आसमान छूने लगे। इससे उत्साहित होकर भूस्वामी अपनी बाड़ाबंद जमीन में बड़े पैमाने पर अनाज उगाने लगे, उनकी तिजोरियां भरने लगी और उन्होंने बाड़ाबंदी कानून पारित करने के लिए संसद पर दबाव डालना शुरू कर दिया। बाड़ाबंदी का युग, द एज ऑफ इनक्लोजर्स। इंग्लैंड के इतिहास में 1780 का दशक पहले के किसी भी दौर से ज्यादा नाटकीय दिखाई देता है। इससे पहले अक्सर ये होता था कि आबादी बढ़ने से खाद्यान्न का संकट फैल जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ऐसा नहीं हुआ। जिस तेजी से आबादी बढ़ी, उसी हिसाब से खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि की तेज रफ्तार के बावजूद 1868 में खाद्यान्न को अपनी जरूरतों का 80% इंग्लैंड खुद पैदा कर रहा था, बाकी का आयात किया जा रहा था। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि खेती की तकनीकें में हुए किसी नए बदलाव का परिणाम नहीं थी, बल्कि हुआ सिर्फ ये कि नई नई जमीन पर खेती की जाने लगी। भूस्वामियों ने मुक्त खेतों, सार्वजनिक जंगलों, दलदली जमीनों और चरागाहों को काट छांट कर बड़े बड़े खेत बना लिए थे। इस समय तक किसान खेती में उन्हीं सरल तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे थे जो 18वीं सदी के प्रारंभ में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। 1660 के दशक में इंग्लैंड के कई हिस्सों में किसान सलजम और तिपतिया घास की खेती करने लगे थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती है। फिर सलजम को पशु भी बड़े चाव से खाते थे,
इसलिए वे सलजम और तिपतिया घास की खेती नियमित रूप से करने लगे। बाद में अध्ययन से ये पता चला कि फसल से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो फसल वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण थी। असल में लगातार खेती करने से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण जमीन की उर्वरता भी कम होने लगती है। सलजम और तिपतिया घास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी और जमीन फिर उपजाऊ हो जाती थी। इस तरह 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इन्हीं सरल तकनीकों का नियमित रूप से इस्तेमाल करने लगे थे। अब बाड़ाबंदी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जाने लगा था और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें बोने लगे थे। बाड़ाबंदी से अमीर भूस्वामियों को अपनी जोत बढ़ाने और बाजार के लिए पहले से ज़्यादा उत्पादन करने की सहूलियत मिली। गरीबों पर क्या बीती? What happened to the poor? बाड़ाबंदी ने भूस्वामियों की तिजोरियां भर दी, पर उन लोगों का क्या हुआ जो रोजी रोटी के लिए कॉमन्स पर ही आश्रित थे? बाढ़ लगने से बाड़े के भीतर की जमीन भूस्वामी की निजी संपत्ति बन जाती थी। गरीब अब ना तो जंगल से जलावन की लकड़ी बटोर सकते थे और ना ही साझा जमीन पर अपने पशु चरा सकते थे। वे ना तो सेब या कंदमूल फल बीन सकते थे और ना ही गोश्त के लिए शिकार कर सकते थे। अब उनके पास फसल कटाई के बाद बची ठूंठी को भी बटोरने का विकल्प नहीं रह गया था। हर चीज पर जमींदारों का कब्जा हो गया था, हर चीज बिकने लगी थी और वह भी ऐसी कीमतों पर जिन्हें अदा करने की सामर्थ्य गरीबों के पास थी नहीं। जहां कहीं बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी हुई, खास तौर पर इंग्लैंड के मध्यवर्ती क्षेत्रों और आसपास के प्रांतों में, वहां गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उनके पारंपरिक अधिकार धीरे धीरे खत्म होते गए। अपने अधिकारों से वंचित और जमीन से बेदखल होकर वे नए रोजगार की तलाश में दर दर भटकने लगे। मध्यवर्ती क्षेत्रों से वे दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे। मध्य क्षेत्र में सबसे सघन खेती होती थी और वहां खेतिहर मजदूरों की भारी मांग थी, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षित और नियमित रोजगार नहीं मिल पा रहा था। पुराने जमाने में आमतौर पर मजदूर भूस्वामियों के साथ ही रहा करते थे। वे मालिकों के साथ खाना खाते, साल भर उनकी सेवा टहल करते थे। यह रिवाज 1800 तक आते आते समाप्त होने लगा था। अब मजदूरों को काम के बदले दिहाड़ी दी जाती थी और काम भी केवल कटाई के दौरान ही होता था। जमींदार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मजदूरों की दिहाड़ी की कीमत में कटौती करने लगे। काम अनिश्चित, रोजगार असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई। वर्ष के बड़े हिस्से में गरीब बेरोजगार रहने लगे। ये वही दौर था जब देहात में कैप्टन स्विंग वाले दंगे फैले। गरीबों की नजर में थ्रेसिंग मशीन बुरे वक्त की निशानी बनकर आई। थ्रेसिंग मशीन का आगमन, द इंट्रोडक्शन ऑफ थ्रेसिंग मशीन्स। जिन दिनों नेपोलियन इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध छिड़े हुए था, उन दिनों खाद्यान्नों के भाव काफी ऊंचे थे और काश्तकारों ने जमकर अपना उत्पादन बढ़ाया। मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थ्रेसिंग मशीनों को खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकार अक्सर मजदूरों की आलस, शराबखोरी और मेहनत से जी चुराने की शिकायत किया करते थे। उन्हें लगा कि मशीनों से मजदूरों पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी। युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारे सैनिक अपने अपने गाँव और खेत खलिहान में वापस लौट आए। अब उन्हें नए रोजगार की जरूरत थी, लेकिन उसी समय यूरोप में अनाज का आयात बढ़ने लगा, उसके दाम कम हो गए और कृषि मंदी छा गई। बेचैन होकर भूस्वामियों ने खेत की जमीन को कम करना शुरू कर दिया और मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोका जाए। उन्होंने मजदूरों की दिहाड़ी और संख्या कम करनी शुरू कर दी। गरीब और बेरोजगार लोग काम की तलाश में गांव-गांव भटकते थे और जिनके पास अस्थायी सा कोई काम था, उन्हें भी आजीविका खोने की आशंका रहती थी। गरीब किसानों की ये हाल केवल थ्रेसिंग मशीन के आने से बिगड़ी थी। तो ये वही समय था जब कैप्टन स्विंग दंगा फसाद हुआ। तो आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। कप्तान स्विंग दंगा फसाद, कैप्टन स्विंग रायट्स। थ्रेसिंग मशीन से आने से गरीब किसान और मजदूर जो है बहुत ही परेशान हो गए थे। थ्रेसिंग मशीन ने उन्हें बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति दोनों ही खराब होने लगी। तो उनमें एक विद्रोह की भावना पैदा हो गई और उन्होंने गरीब किसानों के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया और जहां पर ये थ्रेसिंग मशीन रखा करते थे उनमें
आग लगा के और वहाँ पर एक पत्र चिपका दिया करते थे जिस पे कप्तान स्विंग के नाम से हस्ताक्षर होता था, जिसमें यह धमकी लिखी रहती थी कि आपको थ्रेसिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करना होगा, नहीं तो हम इसी तरह आग लगाते रहेंगे। तो ये था किसान और काश्तकार अध्याय का भाग एक। आइए इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारने के लिए हम वोकैबुलरी में दो अंग्रेजी शब्द लाए हैं जिनका आज हम मतलब जानेंगे और जिन्हें आगे हम किसी भी बोलने और बात करने में उसको यूज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो पहला शब्द है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूरता। और दूसरा शब्द है एलोक्वेंट, सुवक्ता, जो बिल्कुल सटीक बोलता हो। तो ये हैं दो अंग्रेजी शब्द जिन्हें आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।